फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। देर आर सम चेंजेज ड्यूरिंग विच नो सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। कुछ चेंजेज ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन होता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी जगह देखिए तो देर आर सम अदर चेंजेज ड्यूरिंग विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड, जहाँ पर कि कुछ नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, और कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जहां पर कि नए सबस्टांस बन करके चेंजिंग करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड और नॉट, तो इसी आधार पर कि नया सबस्टांस बना कि नहीं बना, जिसके आधार पर हम लोग वी कैन क्लासीफाई ऑल द चेंजेज इन टू टू ग्रुप्स। हम लोग सभी चेंजेज को दो ग्रुप्स में बांटते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सबस्टांसेज फॉर्म्ड, इसमें नए सबस्टांस फॉर्म करते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने दो नाम दिया, एक को फिजिकल चेंज जिसमें कोई नया सबस्टांस नहीं फॉर्म होता है, और केमिकल चेंज जिसमें नया सबस्टांस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज, दोज चेंजेज इन विच नो न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म, वह चेंज जिसमें कोई नया सबस्टांस ना बदले फिर भी चेंजिंग हो, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। वैसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। द चेंज इन, तो इसमें चेंज क्या होता है? फिजिकल स्टेट में साइज एंड शेप, फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप में चेंज होता है, ऑफ ए सबस्टांस आर फिजिकल चेंजेज। वैसे चेंजेज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेज। इन ए फिजिकल चेंज द सबस्टांस इन्वॉल्व डोंट चेंज इन देयर आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी में चेंजिंग नहीं होता है, बल्कि फिजिकल स्टेट साइज और शेप में चेंज होता है। दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, वे इजिली ओरिजिनल फॉर्म में लौट कर चले आते हैं, बाई सम फिजिकल प्रोसेस, कुछ फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंजेज कैन बी इजिली रिवर्स, तो ये जो चेंज होता है फिजिकल वो इजिली रिवर्स होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल। जैसे कि अगर हम लोग देखिए, वाटर है लिक्विड में, अगर इसको हम लोग फ्रीज में डाल दें तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और उसे कहते हैं आइस, है ना। फिर आइस को आप फ्रीज में से बाहर निकाल करके बाहर गिलास में रख दीजिए, कटोरे में रख दीजिए, तो फिर वो वाटर बन जाएगा। सेम उसी तरह से वाटर है, अगर इसे हम लोग गर्म करें तो ये क्या होगा? स्टीम में बदल जाएगा, और फिर स्टीम को यदि हम लोग ठंडा करें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, जो कि रिवर्सिबल हो, जिसमें कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं करता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेज आर, कुछ फिजिकल एग्जांपल्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं, वे हैं क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टेम, कंडेंसेशन ऑफ स्टेम टू फॉर्म वाटर, मेकिंग ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना, जैसे चीनी पानी का घोल सॉल्यूशन बनाना, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना और बुझ जाना, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, ग्लास के बर्तन को टूटना, टूटेगा तो ग्लास का ग्लास ही रहेगा, फिर उसे जोड़ करके ग्लास बनाया जा सकता है। तो दीज चेंजेज आर फिजिकल चेंजेज इन विच नो न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेज आर, कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वाटर इन ए पैन, मेल्टिंग ऑफ ग्लास, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग ए फ्रूट सलाद फ्रॉम रॉ सॉल्ट फ्रूट्स, फ्रूट से सलाद बनाना, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड, मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ब्रेकिंग ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, कटिंग और टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ क्लॉथ एंड रोटेशन ऑफ फैन, पंखे का घूमना, पेपर का फाड़ना, कलम तोड़ना, ये सभी चीजें, रबर बैंड को खींचना, ये सभी चीजें क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बन रहा है, बल्कि उसी सबस्टांस का फिजिकल भौतिकीय स्थिति बदल रहा है।
या तो उसका साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, है ना, सिर्फ ये सब चेंजिंग होते हैं। हम लोग देख रहे हैं केमिकल चेंजेज, दोज चेंजेज इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड, वह चेंज जिसमें नया सबस्टांस बने उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेज। यहाँ नया सबस्टांस बन जाएगा उसे हम लोग कह रहे हैं केमिकल चेंजेज। इन ए केमिकल चेंज द सबस्टांस इन्वॉल्व्ड चेंजेस देयर आइडेंटिटी, यहाँ जो सबस्टांस है वह अपनी आइडेंटिटी को ही बदल देता है। दे गेट कन्वर्टेड इन टू इंटायरली न्यू सबस्टांसेज, वो इंटायरली नए सबस्टांस में बदल जाते हैं। द न्यू सबस्टांसेज आर यूजली कैन नॉट बी रिटर्न टू दर ओरिजिनल फॉर्म, और वो जो नया सबस्टांस बना उससे फिर हम लोग ओरिजिनल सबस्टांस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट केमिकल चेंजेज आर यूजली इरिवर्सिबल, मोस्टली ऐसे चेंजेज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेज आर बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम वायर का जलना, या बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर जल जाएगा तो वो आपको बच गया, पेपर जलने के बाद जो कालिक बच गया आप उससे फिर पेपर नहीं ला सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, जब जंग लग गया तब कोई फिर आप उससे पुनः वापस नहीं लौट सकते हैं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स एक बार पक गया तो फिर उसे आप कच्चा नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये प्रोसेस जो है कि नया सबस्टांस बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब दूध से आपने दही जमाया, मिल्क से आपने क्या बनाया, कर्ड, दही, तो फिर आपको मन है कि दही से दूध आ जाए तो ये नहीं होगा, है ना। या मिल्क से आप बनाते हैं पनीर, तो पनीर बन गया तो फिर अब आप पनीर से मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो ये सब प्रोसेस क्या है, केमिकल चेंजेज है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन बनाना, भोजन बन गया तो फिर एक बार आप जब गेहूं से आटा और आटा से रोटी बना लिए, आटा से रोटी बना लिए, तो रोटी से फिर आप आटा नहीं बना सकते हैं, तो केमिकल चेंज है। सम ऑफ दीज केमिकल चेंजेज आर डिस्कस्ड बिलो। सम मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेज आर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, अब मोमबत्ती है जला दो पूरा, उसके बाद कोई उपाय नहीं कि फिर से मोमबत्ती बन जाएगा क्योंकि सब तो चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, वुड एंड एलपीजी, आप गैस लाए हो भर करके, अब पूरे गैस से आप खाना बना लिया, अब आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा गैस पुनः वापस करो, तो थोड़ी ही है कि वो खाना आपको फिर गैस दे देगा, वो नहीं होगा। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे प्रोसेस क्या है, केमिकल चेंजेज है जिसमें कि न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेज आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेज को हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेज बिटवीन फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंज, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन ए फिजिकल चेंज, और ए न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन ए केमिकल चेंज। ए फिजिकल चेंज इज टेम्पोरली चेंज, व्हाइल इन ए केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। ए फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल, ए केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, यूजुअली मेनली ये इरिवर्सिबल ही होता है। वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन ए फिजिकल चेंज, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन ए केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। द मास ऑफ ए सबस्टांस डज नॉट अल्टर इन ए फिजिकल चेंज, बट द मास ऑफ ए सबस्टांस डज अल्टर इन ए केमिकल चेंज। मास ऑफ सबस्टांस लगभग समान ही रहता है फिजिकल चेंज में, लेकिन यहाँ क्या होता है, मास ऑफ सबस्टांस जो है वो चेंज कर जाता है केमिकल चेंज में।